हेलो गाइस, तो आपका घर में अगर कुचिना का टॉपाज जो मॉडल चिमनी ये वाला मॉडल आपका घर में अगर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आपको शायद दिख रहा होगा। आप अगर इस प्रॉब्लम का सामना अभी तक कर चुके हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में वही चीज आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है आप जब भी चिमनी को ऑफ आउट कर रहे हैं तो आपका चिमनी क्या हो रहा है, हैंग हो जा रहा है। मतलब इस प्रकार से आप चिमनी ऑफ आउट कर रहे हैं, हाँ चेंज कर ऑफ आउट दिया। कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर आपका ये सब कुछ शो कर रहा है, लेकिन ये जो नॉइज है, मतलब चिमनी का जो मोटर घूम रहा है, ये नॉइज नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो चिमनी वो वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ डिस्प्ले ही शो हो रहा है। कुछ ही ना टोपाज इस प्रकार का ये जो मॉडल है, इसी यही वाला मॉडल और एक जो मॉडल है कुछ ही ना विटारा DLX, ये दोनों मॉडल में सेम, ये दोनों मॉडल में ये सेम प्रॉब्लम आपका आ रहा है। मतलब चिमनी आपका हैंग हो जा रहा है, चलते चलते किसी भी टाइम में चिमनी आपका बंद हो जा रहा है, ठीक है, और चल ही नहीं रहा है। कुछ भी प्रकार का कोई भी आप कर रहे हैं नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक चीज आप लोग देखिए, इसका जो डिस्प्ले, मतलब इसका जो स्विच पैनल है, मतलब डिजिटल जो डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है, ये वाला और आपका ये जो टॉपाज है, ये दोनों का जो स्विच पैनल है दोनों सेम है, ठीक है। एक चीज तो आपको पता चल, दोनों दोनों चिमनी में एक ही स्विच पैनल दिया गया है, जिसके वजह से होता क्या है, दोनों स्विच सेंसर जो है इसका जो वर्क फंक्शन है इसमें थोड़ा सा क्रिटिकलिटी, क्योंकि इसमें भी नॉइज स्पीड है, उसमें भी नॉइज, मतलब सेम है, सब कुछ सेम है, अटैच अपार्ट जैसे करेंगे नॉइज स्पीड उसमें सेम टू सेम है, चलाने का प्रक्रिया जो है टोटली सेम है। इसमें जो सर्किट लगा हुआ है और उसमें जो सर्किट लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, जब भी आप चिमनी को ऑफ आउट करते हैं तो ओवर चिमनी चलते चलते चिमनी ओवर हीट हो जाने के वजह से उसका जो सर्किट है वो काम करना बंद कर देता है, हैंग हो जाता है। ये इसका एक रीजन जो कंपनी ने बताया है कि आप जब भी चिमनी चला रहे हैं, चिमनी चला वैसे मान लीजिए आप चिमनी स्टार्ट किए हैं, अभी एक से स्टार्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक आपने किए हैं, ठीक है, दोनों मॉडल में विटारा हो चाहे टॉपाज हो, 9 तक आपका चिमनी चल रहा है। अभी चिमनी का स्पीड आप घटाएंगे, 9 तक करने के बाद जब भी आप 8 कर रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि 8 आप करेंगे तो आपका चिमनी हैंग हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये वाला ये सब चिमनी में सेम आपका किसी भी टाइम में कभी भी ये हैंग हो जा रहा है। जब भी आप हैंग हो जा रहा है तो उस टाइम में आप लोग देख पाएंगे, इसी वीडियो के अंदर में देख पाएंगे कि आप इस प्रकार करते रहेंगे लेकिन आपका मोटर घूमेगा ही नहीं। तो उस टाइम में आप कुछ भी कर लें, कुछ भी प्रकार का कोई भी आप जो सॉकेट है उसको खोल के निकाल ले, उसके बाद दोबारा चला ले, कुछ भी प्रकार का कोई भी चीज करेंगे तो होगा ही नहीं उसका, तभी जाके होगा। उसको आप लगा के छोड़ दीजिएगा, 2-3 घंटा बाद उसको चेक कीजिएगा, चलाइएगा, वो ऑटोमेटिकली चलेगा। मतलब वो सिस्टम उसका हैंग हो जाता है ओवर हीट हो जाने के वजह से, बोलिए किसी भी कारण से बोलिए, उसमें एक माल फंक्शनिंग होता है। और एक चीज में होता है, जब भी आप चिमनी को चला रहे हैं, मतलब ऑफ कर रहे हैं, अगर आप तुरंत इस प्रकार से आप दबा देंगे तो फिर क्या होता है, उसका मोटर जो उसको सर्किट में जो दिया गया है उसको ऑफ करने की कैपेसिटी वो उसको समझ नहीं पाता है, जिसके वजह से वो इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है। इस मतलब जिसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है, उन्होंने जब भी इस प्रकार का कुछ भी किया होगा उसी मॉडल में, खास करके आपका टोपाज और विटारा में इस प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, और उन्होंने टेक्नीशियन जो है बुलाया है, और उसके बाद जो है कंपनी ने सर्किट जो है उसका जो सर्किट PCB है उसको चेंज कर दिया है, उसके बाद वो चिमनी ऑटोमेटिकली मतलब जैसे पहले चल रहा था वैसे सेम टू सेम चल रहा है। मतलब मेन जो है आपका चिमनी, एक जो चीज आपको करना है, अगर आपका चिमनी में इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो गया है, अगर आप देख पा रहे हैं कि आपका चिमनी काम नहीं कर रहा है, नहीं वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको टेक्नीशियन बुलाने का वो जरूरत नहीं है, क्योंकि चिमनी खराब नहीं हुआ है, आप जिस टाइम खाना पका रहे थे वैसे ही आपको करना होगा। कुछ भी करेंगे वो चिमनी नहीं चलेगा, 2-3 घंटा बाद 1-2 घंटा बाद आपको जैसे सॉकेट वगैरह लगा हुआ है सेम टू सेम रख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, 1-2 घंटा बाद आप चेक कीजिएगा, चलाइएगा धीरे धीरे, ठीक है, नॉर्मल जैसे टच पहले ओपन इस प्रकार टच करेंगे, 1 चलाइएगा, ठीक है, तो देखिएगा आपका जो है चिमनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा।
उसको धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि इसमें माल फंक्शनिंग है, मतलब जो सर्किट इसमें बनाया गया है पहले नया नया लॉन्च हुआ है ना, जिसके वजह से इसमें कुछ खामियां है। लेकिन वो पहले का जो मॉडल है, जो मतलब जब लेटेस्ट आया था जिस टाइम, उस कुछ कुछ मॉडल में इस प्रकार का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी का जो जितना भी सेम आप जो टोपाज या विटारा आप लेंगे, उसमें जो लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला चिमनी है, उसमें इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं देखना पड़ेगा। एक चीज आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सा में ये होगा और कौन सा में नहीं होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं, एक चीज जो है आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये रहा कुचिना का टोपाज चिमनी। देखिए यहाँ पर स्टिकर विस्टिकर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर सब कुछ है, देखिए देखिए टोपाज स्टिकर सब कुछ लगा हुआ। यहाँ पर जो चीज आपको देखना है, ये चीज देखना है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ है। किस चीज का स्टिकर है, देखिए इस साइड से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, QC06 past 896 11 84। ठीक है, इसको देखना है, ये ऊपर में ही लगा होना चाहिए। अगर ये ऊपर में लगा हुआ है, देन इस चिमनी में आपका ये जो जो प्रॉब्लम हमने बताया है, इस प्रकार का प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। अगर आपका ये सेम टू सेम आपका लगा हुआ है, सेम टू सेम आपका लगा हुआ, लेकिन वो साइड में हो सकता है, इधर इस साइड में होगा, इस साइड में, ऊपर में नहीं होगा, ऊपर में उसके बाद लास्ट वन, मतलब इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा वो रिसेंट होगा, करेंट होगा, जब लॉन्च हुआ है, ये नया नया आया है, जिसके वजह से ऊपर में अच्छे से चेक करके सर्किट को अच्छे से बना के उसके बाद इसमें डाला गया है। तो इस प्रकार का आपका घर में अगर चिमनी है, उसमें अगर ऊपर में ये मार्क है, देन आपका चिमनी में उस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपका साइड में कहीं पर भी है, तो वो वाला प्रॉब्लम कभी भी हो सकता है, लेकिन उसको सॉल्व आप घर में ही, उसको कोई उसका कोई जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप घर में ही कर सकते हैं, मतलब कुछ करना नहीं है। जिस टाइम आपका हैंग हो जाएगा, उस टाइम आपको छोड़ देना। जैसे मोबाइल आप अपार्ट करते हैं तो क्या होता है, किसी भी टाइम में वो आपका हैंग हो जाता है, फिर आपको स्विच ऑफ रिस्टार्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, मतलब जिस टाइम देखिएगा हैंग, उस टाइम मोबाइल पूरा गर्म रहता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, वो वर्क करेगा इजीली। ठीक है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट हम आपको दिखा देते हैं, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए कब का है, नवंबर 2023। तो ये करंट माल है, और ये मतलब करंट माल है, और जो ये कब लॉन्च हुआ है टोपाज चिमनी, कब लॉन्च हुआ आपको अगर जानना है, ठीक है, तो इस चैनल में सबसे पहला वीडियो मेरे चैनल में ही दिया गया जब ये लॉन्च हुआ था, तो चेक कर लेना है सर्किट के ऊपर में कि कौन सा मार्क वहां पर है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर पाएंगे कि आपका चिमनी में जो टोपाज आप लेटेस्ट चिमनी आप जो ले रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आपका कुछ ना टोपाज चिमनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो जैसे हमने बताया है, 2-3 घंटा उसको छोड़ दीजिएगा, उस टाइम में मत चलाइएगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। जब तक आप उसको करते रहेंगे, स्विच दबाते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।